राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और ठंड बहुत है, बहुत ज़्यादा ठंड है और हमें कुछ ज़्यादा लगती ही है ठंडी। तो अभी शाम के बज रहे हैं, शाम के 5 बज रहे हैं और अभी चाय बन चुकी, चाय पी चुके। उसके बाद में अभी थोड़ा सा हल्का झाड़ू लगाना। झाड़ू क्या लगाना, दिन भर झाड़ू लगाओ, अभी लगाओ, तुरंत बच्चे कर देते हैं, बच्चे बहुत फैला रहे हैं। वो बहन के भी बच्चे हैं और हमारे हैं, हमारे बहुत ज़्यादा शैतान है लेकिन हमें पता नहीं चलता। पता अब चल रहा है, जब पता चलता है, जब कोई दूसरे बच्चे आ जाते तब पता चलता है कि हाँ हमारे भी बच्चे इतने शैतान, बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं। जैसे किचन का सामान रूम का सामान किचन में इधर उधर फैलाया, इधर किया उधर किया, अरे जैसे एकदम जैसे पोछा लगाओ झाड़ू लगाओ एकदम जैसे फैला के सब फेंक देते हैं। खाने को कुछ दे दो तो पूरा ना देख पाओ तो बेड पे सब फैला देंगे, नीचे फैला देंगे। बच्चे बहुत ज्यादा शैतान है, पता नहीं सबके होते हैं कि हमारे ही हैं, बहुत शैतानी करते हैं, कोई भी बात नहीं मानते, कुछ सुनते नहीं है। और ये कंगन दिए थे कल गिफ्ट में आकांक्षा ने, तो वो पहन भी लिए, बड़े प्यार से लाए थे सुबह सुबह, एक फूल गुलाब का और ये कंगन, तो वही हमने पहने हैं कल नए साल में। नए साल में गिफ्ट दिया था हमें। और वॉशिंग मशीन हमारी खराब पड़ी थी, बहुत दिन हो गए थे, पता नहीं याद भी नहीं थे ना। तो वो वॉशिंग मशीन दो बनाने वाले आए तो एक ने बताया कि पुरानी बना के देंगे तो 2500 रुपये लेंगे और नई प्लेट खराब हो गई इसकी और नई अगर बनाएंगे तो उसके लिए 5000 रुपये, नई बदल के लाएंगे तो लगा देंगे तो 5000 रुपये लेंगे। तो ये बोले कि चलो ठीक है दूसरे को दिखा लेंगे एक बार। तो उस दिन से फिर मौका ही नहीं लग पाया, फिर बनवा ही नहीं पाए। फिर अभी एक दिन बुलाया मशीन वाले को तो उसने कहा कि भैया आपका ना कचरा फंस गया है, क्योंकि 3 महीने में वो पाउडर डालना होता है और ये 3 महीने की बजाय इसमें हो गया था। कम से कम 10 साल की मशीन है हमारी, 10 साल से ऊपर ही हो गई है वॉशिंग मशीन, तो इसमें कभी पाउडर डाला नहीं था। तो वो पाउडर फिर वो कहने लगे, डी स्केल पाउडर आता है, हम आप लोगों को अभी दिखाएंगे, तो वो पाउडर डालने के लिए बताया। पानी गुनगुना पी रहा है थोड़ा। अभी थोड़ा सा गेहूं फैलाया था वो भी भरना है और अचार के लिए अचार भी थोड़ा सा डालना है। तो डी स्केल पाउडर वो डाला नहीं था तो उसको डालना होता है हर 3 महीने में, 3 महीने में नहीं तो 5-6 महीने में तो डालना ही डालना, लेकिन हमने कभी डाला नहीं था। एक बार बोला भी था कंपनी का जो आदमी आया था तो, लेकिन हमने डाला नहीं था। तो वो हमने डाला परसों नरसों, तो उसमें इतना कचरा निकला, अभी दिखाएंगे। ये हम लोग सोच भी नहीं सकते कितना कचरा उसमें फंसा पड़ा होगा। तो वो निकला क्योंकि कपड़ों के रेसे हैं, गंदगी है, वो जैसे मिट्टी है कभी कपड़ों में चली जाती तो वो सारी इकट्ठी होके, तो इसीलिए वो पाउडर डाला जाता है। तो उसको कैसे डालना है वो हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये वॉशिंग मशीन पाउडर हमने मंगा के रख लिया है और ये वॉशिंग मशीन देखो, इसके टब में भी डाला जाता है, टब में डाल के छोड़ दो, देखो कितनी गंदगी है कितनी ज़्यादा। तो इसका ये किनारी में लग जाता है गंदगी, लेकिन वो साफ़ नहीं होगा जब तक कि नीचे से टब नहीं साफ़ होगा। तो यहाँ से निकल जाता है पानी, लेकिन इसके लिए अभी हमें पाउडर डालना पड़ेगा। पाउडर ऊपर से भी डाल सकते नीचे से भी डाल सकते, लेकिन हमने ऊपर से ही डाल दिया था। तो ये है डी स्केल पाउडर, ये 70 रुपये का मिला है। इसमें दिखा तो रहे थे, इसमें प्राइस पड़ा था 170, लेकिन ये 70 रुपये का सिर्फ है। शायद 2 लाए थे तो दोनों का वो होगा। तो यहाँ पे भी देखो कितना गंदा, एक तो चूहे घुस जाते हैं ना, चूहे भी गंदा कर देते हैं। और इसको हम बाद में साफ़ करेंगे, पहले तो इसको हम अंदर से साफ़ करेंगे, उसके बाद में बाहर साफ़ करेंगे। तो ये पूरा
जो पाउडर जितना है सारा डाल देंगे इसी में। और पाउडर डालने के बाद में जैसे सबसे ज़्यादा जिसमें टाइम लेगी वाशिंग मशीन उसी में चलाना। हमारी एक साल से ऊपर हो गया ये बंद पड़ी मशीन, तो इसलिए और भी गंदगी ऊपर से भी गंदी हो गई। तो सबसे ज़्यादा टाइम जहाँ से लेगी वहीं से चला देंगे। तो ये इसमें हमने चलाया तो उसमें थोड़ा सा कम टाइम है, तो देखते हैं स्किन केयर वाले में कितना टाइम आता है। तो ये मशीन हमने यहाँ से चालू कर दी है। और मशीन चलने लगी है, इसको रात भर के लिए छोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसमें जब दो चार मिनट रह जाएंगे तभी छोड़ना पड़ेगा। इसमें 2 घंटे और 4 मिनट दिखा रहे हैं, ये ज़्यादा टाइम है। तो उसके ये हमने पाउडर डाल के उसको चला दिया है, खाली चलाना है, इसमें कुछ डालना नहीं है। तो इस तरीके से ये चला देंगे। और इसको चलने देंगे जब इसमें थोड़ा सा टाइम, मतलब पानी निकालने वाला टाइम, पानी निकालना नहीं है, पानी इसमें अंदर ही भरा रहने देना है रात भर के लिए। तो इसको अब इसमें ये 28-29 मिनट बचा है सिर्फ, तो इसको अब हम बंद करके छोड़ देंगे। अब हमने इसको बंद कर दिया है मशीन को, इसको रात भर ऐसे ही रहने देना है, जैसे 7-8 घंटे के लिए छोड़ना है, तो हम रात भर के लिए इसको छोड़ देंगे। उसके बाद में सुबह फिर हमने इसको, ये देखो यहाँ से पानी भी गंदा हो गया, पहले भी गंदा था लेकिन अब और ज़्यादा थोड़ा सा हो गया। और उसके बाद में ऊपर से, और इसके नीचे जो बोरी रखी थी हिलती है हमारी मशीन, तो इसलिए इसको हमने रखा था, लेकिन उसको हटाना पड़ा क्योंकि यहाँ से ना नीचे से कचरा निकलेगा, तो उसके लिए इसको हमें हटा दिया है। बोरी गीली हो जाती। और उसके बाद स्टैंड भी मंगाया था, लेकिन स्टैंड जो है, और ये देखो ये पानी बिल्कुल निकल नहीं पाया, उल्टी घूम गई। तो इसको हम 30 मिनट पे फिर से चला देंगे। अभी इसमें पानी निकला नहीं है, तो थोड़ी देर चलाने के बाद में इसको हम ढक्कन जो है यहाँ से खोल देंगे। तो यहाँ से इसको इस तरीके से खोलेंगे घुमाते हुए। ये देखो इतना कचरा था, इसीलिए ये हमारी मशीन नहीं चल रही थी, इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया था कचरा। लेकिन अभी इसके अंदर जो उंगली डाल के देखा, पहले नहीं पता चला था, जब से पाउडर इसकी जो है ये, इसको भी घुमा के निकाल देंगे। इसको भी हिलाना है, इससे ना कचरा जो भी फंसा है सारा निकल जाएगा। और इसके बाद में इसमें छोटा सा तार है, तो तार लेके आएंगे, उस वो डालेंगे। देखो इसके अंदर कितना कचरा था, इसीलिए नहीं ये चल रही थी। और ये टब के अंदर सब इकट्ठा था, ये देखो इतना निकला है, इसीलिए चलती नहीं थी, पानी निकलता नहीं था, वो जाम हो गया था ना पाइप। और अगर कभी चलती भी तो कपड़े थोड़े से गंदे हो जाते थे उस टाइप के, तो इसलिए फिर ये पानी सारा निकाल दिया है। और इसका ढक्कन उसी तरीके से लगा देंगे। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, हमने तार डाल के अच्छे से निकाला है कचरा। तो अब इसका ढक्कन हम बंद कर देंगे, तो मशीन हमारी ठीक हो गई, उसके बाद में अच्छे से चलने लगी, अब कपड़े अच्छे धुल रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसमें हम बहुत कुछ आने लगा हमें, लेकिन ये इतना नहीं पता था इतना कचरा फंसा होगा। तो तब तक के लिए राधे राधे, अगले वीडियो में मिलते हैं।